हूँ आपके लिए ड्राई फ्रूट्स की मिल्क शेक। ये मिल्क शेक उन लोगों के लिए जो थक जाते हैं, जो थके थके रहते हैं और थकान महसूस करते हैं, अपने जिस्म में जान नहीं होती उनके। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 6 खजूरें ली हैं, 5 से 6 अंजीर ले लिए हैं, उसके बाद हमने बादाम ले लिए हैं, 15 अदद बादाम हैं, और इसके साथ ही हमने काजू लिए हैं, 10 अदद काजू हैं। और ये मिल्क शेक आप रोज़ाना पिए। 2 टेबल स्पून हमने किशमिश ले लिया, ये किशमिश जो है ये बग़ैर बीज की है, बीज वाली अगर आप पसंद करते हैं तो वो ले लें। और 15 दाने हमने पिस्ते के ले लिए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने इस तरह से डाल लिया है बाउल्स में। अब इनमें डालेंगे गर्म पानी, उबलता हुआ पानी हमने डाल देना है इसमें, और इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पानी डालकर। है 2 टेबल स्पून शहद, और उसमें हमने डालना है 1/2 कप दूध, उसको डाल के हमने मिक्स कर लेना है। और ये वीडियो जो है ना ख़ास तौर पर थके हुए मर्दों के लिए है, वो अगर इसको रोज़ाना पियेंगे तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी उनकी लाजवाब, पुरकशिश और क्या कहें कि बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। तो ये शहद हमने दूध में मिक्स कर लिया है, अब इस शहद को और दूध को हमने डाल लेना है मिक्सी के जग में जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो इस जग में डाल लेंगे, दूध डालने के बाद हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको 10 मिनट तकरीबन हो गए तो उनको इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले हमने पिस्ता डाल दिया है, पानी जो है वो हमने साइड में वेस्ट कर दिया है। उसके बाद काजू आ गए और उसके बाद अंजीर आ गई, ये देखें जैसे ही ये भीग गए हैं ये थोड़े फूल गई हैं सारी चीज़ें। उसके बाद किशमिश आ गई और नरम भी हो गई हैं, इससे क्या होगा कि मिक्सी जो है ना बड़े आराम से चल जाएगी। और जो खजूरें आपने डालनी हैं उनमें से जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि बीज जो हैं वो कह लेंगे हमारी मशीन ख़राब कर देंगे। और बादाम जो हैं उनके छिलके ऊपर से आपने उतार लेने हैं इस तरह से। और इसके बाद आपने क्या करना है, मिक्सी का लगाना है ढकना और इसको 2 से 3 मिनट चलाना है ताकि ये बिल्कुल बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये हो गया कुछ इस तरह का। अब हमने 1/2 लीटर दूध और डालना है, और मैं आपको बताता चलूँ जितना दूध हमने इस्तेमाल किया वो बॉयल्ड था, बॉयल किया हुआ दूध था, हमने कच्चा दूध नहीं लिया, इसको पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ना ठंडा है ना गर्म है। और ये 2 से 3 मिनट और इसको हमने चला लिया, कुछ इस तरह का हमारा शेक बन गया है। अब इसको डालेंगे ग्लास में सर्व करने के लिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम कटा हुआ और पिस्ता कटा हुआ गार्निश कर देंगे, जिससे इसकी लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये रेमडी जो है ये डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो चलें इसको बनाएं और रोज़ाना इस्तेमाल करें, अपनी जो प्रोटीन है कम ताकत की कमी है उसको पूरा करें। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।